भाविका पाटिल जी, हम सब मिलकर एक साथ मैम का यहाँ पर, साथ ही साथ रीना राय जी से भी गुजारिश करूंगा, रीना राय जी जल्द से आप स्टेज पे आ जाइए। रीना राय जी, 45 ब्रांचेस के दरवाजे द्वार आप सभी के लिए खुल चुके हैं पूरे 12 राज्यों में। मैं चाहूंगा इसकी खुशी, इनॉग्रेशन की जो खुशी मैम के हाथों से हुई, एक बार जोरदार तालियां हो जाए रवीना टंडन जी के लिए। जो घर का सपना लेकर के शहर में आता है, मेहनत करता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो पूरे घर को अपने सपनों के अनुरूप बना सके। फॉर एग्जाम्पल, वो किसी तरीके से जगह को ले लेता है लेकिन प्लास्टर नहीं करा पाता है, ब्रिक्स वॉल बना देता है, प्लास्टर नहीं करा पाता है, प्लास्टर कर लेता है तो कलर नहीं करा पाता है, कलर करा लेता है तो इंटीरियर नहीं करा पाता है, माल सप्लायर हो गया। ये सारे के सारे लोग मेरी कंपनी का एक भाग होंगे, और जिस व्यक्ति को अपना घर जब बनाना है और उसके पास में पैसे की कमी है, मैं इसके रूप में एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि फुटपाथ पे अपना ठेला लगाने वाला एक इंसान, जब वो बैंक में जाता है तो उसे ढेर सारी असुविधाओं का, मतलब, और उनको तो ये जो चंद्रा, तो अगर आप मनी लाइन से किसी से बात करते हैं, चर्चगेट पे बात करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है हम दो शब्द, लेकिन जब माइक मेरे हाथ में आ जाता है तो दो शब्द नहीं बोलती हूँ मैं। जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं ना, तुमको माइक मिल जाता है हाथ में तो बात करना बंद नहीं करती हो, छीनना पड़ता है तुमसे माइक। लेकिन आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए मुझे देखने, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये छोटे छोटे बच्चे इतनी खूबसूरत पोशाक पहन के और बाल बना के सज संवर के आए, बहुत प्यारा लगा। बहुत बहुत प्यार आप लोगों को और आप लोग के परिवारों को। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आईरी प्रोडक्शंस, कंस्ट्रक्शन की प्रोडक्शन हो गया मेरे से, कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पूरे टीम को बधाई देना चाहूँगी कि ये पहली बार मेरे लाइफ करियर में, मतलब मुझे हो गए करीब 25 साल काम करते हुए, और मैंने कभी ऐसा एक इनॉग्रेशन नहीं देखा कि मैं हूँ और 12 अलग स्टेट्स में, 12 अलग जगहों पर करीब 45 राइट ब्रांचेस एक साथ में खुल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, मैंने तो कभी नहीं देखा। तो जिस तरीके से ये टेक ऑफ लिया है इस कंपनी में, मैं वाकई में इनकी दाद देती हूँ। किस तरीके से मेहनत करके सब आपस में जोड़ के, जिनके मैं नाम लेना चाहूँगी, मैंने सुना है, पहले तो आपसे शुरू करूँगी विपिन जी, मेरे पुराने मित्र हैं, मैं इनको काफ़ी बार मिल चुकी हूँ फिल्म फंक्शंस पे, यहाँ वहाँ अवार्ड नाइट्स पे, ये ऑलवेज होते हैं मौजूद वहाँ पे हम लोगों के साथ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी भावेश पटेल जी का, अनुपम आप ई आए हैं, चलो पटेल अपना पाटिल हिंदुस्तानी हुआ ना यार, एक ही बात है। भावेश पाटिल जी का, अनुपम राय जी का, प्रशांत जी का, सुशील घरत जी का, योगिता स्वप्निल कुराड़े जी का और सुरेश पॉल जी का, सॉरी गलती हो गई है थोड़े नाम में, पहली बार मिल रही हूँ सबसे तो इतनी फेमिलियरिटी नहीं है। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जैसे कहते हैं, अमित जी का, जो यहाँ बगल में बैठे, अमित जी हाथ ऊपर करो, सबको वेव करो, जिनका ये ब्रेन चाइल्ड था, जिन्होंने इसको पैदाइश किया, जैसे कहते हैं एक जो दिमाग में कीड़ा आ जाता है फिर वो मेहनत का कीड़ा क्या रंग दिखाता है सभी जानते हैं। तो ये बहुत ही अपने आप में जो इन्होंने सोचा है, बहुत ही मैं कहूँगी एक बहुत ही इमोशनली भावुक आइडिया है, क्योंकि जो इनका टैग लाइन है जो कहते हैं कि हम आपके सपने पूरे करेंगे, आज की दुनिया में, आज के ज़माने में लोग पहले, जितने बाकी कंस्ट्रक्शन लोग हैं उनका पहला ये लाइन है कि हम आपको कैसे ठग सकते हैं। उन्होंने पहले सोचा कि जिन लोगों की मुश्किलें हैं, जो मुश्किल में हैं, पहले उनकी मदद करें, पहले उनका सपना साकार करें। और किस तरीके से कि आप हमें पैसे पहले मत दीजिए, पहले आप हमारा काम देखिए, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो लोग एडवांस मांगते हैं, आप लोग ने भी देखा होगा, हम लोग सब ने घर बनाए, हम लोग सब ने मेहनत करके अपने घर बनाए, और जो घर बनाता है वो
अपनी घर एक ऐसी चीज होती है, हमारा मंदिर होता है, हमारा परिवार उसमें पलता है, हमारे हमारे पुश्तों उसमें रहते हैं, आगे हम वही घर अपने बच्चों को देते हैं। तो वो एक बहुत ही बड़ी बात है आप जो इन्होंने की है, और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैं तो इनको बोल रही थी कि चलिए मैं बॉम्बे की नायगांव की इस एरिया की पहली क्लाइंट मैं बनूंगी, मेरा फार्म हाउस है यहाँ पे, मैं इनको देने वाली हूँ बनाने के लिए बहुत जल्द। तो बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ आके, और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे लोग हैं आप सब यहाँ पे मौजूद, जो मंच पे भी बैठे हुए हैं, आप सबका धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम एंड बेस्ट ऑफ लक। लक्ष्मी माँ आज बहुत अच्छा दिन है, बसंत पंचमी का दिन है, गणेश जी का दिन है, सरस्वती माँ का दिन है, आज बहुत ही बढ़िया दिन है। आप सबको उन्नति मिले, प्यार मिले, और ऊपर वाला भगवान हम सबको खुश रखे। धन्यवाद। जो जिनके सपने अधूरे भी रह जाते हैं, या पैदाइशी शुरुआत से जो ये कंस्ट्रक्शन का ऑफ़र देते हैं, ये बहुत ही बढ़िया प्लान है इनका, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज आई हूँ और इस कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ी हूँ। अमित जी हमारे साथ खड़े हैं, भाई साहब जो खड़े हैं साथ में, इनका जो पूरा टीम है, ये पहले बोलते हैं आप हमारा काम पहले देखिए, हम आपको अपना काम करके देंगे, आपका सपना साकार करके देंगे, और फिर आप हमें भले खुश हैं तो बेशक आप हमारा चेक साइन करके दीजिए। चलिए आप थोड़ा सा आपके बारे में बताइए, आजकल और क्या नया हमारे दर्शकों के लिए? बस बहुत जल्द मेरा शो आ रहा है सोनी टीवी पर, सबसे बड़ा कलाकार, जरूर देखेगा मार्च में। और ऑडिशंस चालू हैं, तो जिनके माँ बाप सोचते हैं, जो माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ही शैतान, बहुत ही मस्त थोड़ा परफॉर्मेंस करते हैं, प्लीज़ ऑडिशंस के लिए आइए, बहुत ही अच्छा होगा सोनी टीवी पर आने वाला ये शो। अप्रैल में मेरी फिल्म रिलीज़ होगी मात्र द मदर, प्लीज़ फिल्म भी आके देखिएगा। आजकल जो हमारे देश में हो रहा है, औरतों के ऊपर जो जुल्म ढाया जा रहा है, और हमारी जस्टिस सिस्टम उसके उनके लिए क्या कर रही है, उसके ऊपर निर्भर है, ज़रूर आके देखिएगा। थैंक यू। और मेरे 45 ब्रांचेस थे, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क था कि मुझे सपोर्ट ऐसे कौन करेगा, इतना छोटे स्केल पर हम लॉन्चिंग कर रहे हैं, इतना बड़ा स्टार, मगर मैम इतने सरलता से उन्हें बताया और मैम एक्सेप्ट कर ली, और मैं एकदम, मतलब पहली बार तो मेरे लिए ये फर्स्ट है, मैं एक स्टार्टअप, मेरा बिजनेस है, और जो इस टाइम हमारी जो कंपनी है वो 45 जगहों पे 12 राज्यों में ओपन है, आप ज़मीन से जुड़े तमाम लोग, कंस्ट्रक्शन से जुड़े तमाम लोग इसमें पंजीकरण करा सकते हैं, उन्हें बिहार से महाराष्ट्र आने की ज़रूरत नहीं, झारखंड से महाराष्ट्र आने की, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं, उनके मदरलैंड में ही उनको जॉब देगी, और कोई भी जॉब कंपनी कड़िया हो मिस्त्री हो, उनको एक उम्र होने के बाद ना उनका पीएफ या एम्प्लॉयमेंट जब रिटायरमेंट हो गए ख़त्म हो जाता है उनका लाइफ, मगर हमारी कंपनी उनको रिटायरमेंट फंड देगी जो आयरी से पंजीकरण में आएंगे। और दूसरी चीज़, काम शुरू होने से ख़त्म होने तक हम कंस्ट्रक्शन का अमाउंट लेते हैं, बचा हुआ जो 50% है वो काम खत्म होने के बाद ईएमआई बेसिस पे बिना किसी इंटरेस्ट के। आज एक मिडिल क्लास फैमिली को आप देख लो, बड़ी मुश्किल से वो लोन वगैरह करके वो फ्लैट लेते हैं, और फ्लैट लेने के बाद उनको इंटीरियर प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम है, ये वास्तु साथ, उन्हें फिर 14% ब्याज पर बैंक से लोन हायर करना पड़ता है। तो हमारी इस कंपनी को डायरेक्ट विदाउट किसी इंटरेस्ट के आप हमारी कंपनी से जुड़े और आप कंस्ट्रक्शन करें, काम शुरू होने से खत्म होने तक 50%, बचा हुआ 50% ईएमआई बेसिस पे। चलिए तो अब इसी बात पर थोड़ी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाइए।